दिल्ली के बख्तावरपुर गांव में आशा वर्कर की है भारी कमी, गर्भवती महिलाओं को होती है काफी परेशानी। गर्भवती महिलाओं के आहार और हेल्थ की जानकारी देती है आशा वर्कर, अस्पताल और डिस्पेंसरी तक पहुंचाने का काम ही करती है आशा वर्कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जगदूत न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुभव सागर। दिल्ली के बख्तियारपुर गांव में गर्भवती महिलाओं की सहायता के लिए एक भी आशा वर्कर नहीं है। आशा वर्कर के न होने से गर्भवती महिलाओं को अकेले ही अस्पताल जाना पड़ता है। हेल्थ को लेकर न नगर निगम गंभीर है और न ही दिल्ली सरकार, और केंद्र से भी भारी भरकम रकम आने के बावजूद भी धरातल पर हो रहे कामों को देखकर आप चौंक जाएंगे। पेश है एक रिपोर्ट। दिल्ली के बख्तावरपुर गांव में एक भी आशा वर्कर नहीं। गर्भवती महिलाओं की नहीं होती है देखरेख। गर्भवती महिला अकेले जाती है अस्पताल, अस्पताल में भी होती है काफी दिक्कतें। अचानक तबीयत बिगड़ने पर कोई सहायक नहीं होती। पूरी दिल्ली में आशा वर्कर तैनात है पर इस गांव में क्यों नहीं? दिल्ली नगर निगम की डिस्पेंसरी की बड़ी लापरवाही। दिल्ली के बख्तावरपुर गांव में गर्भवती महिलाओं की सहायता के लिए एक भी आशा वर्कर नहीं है। आशा वर्कर के ना होने से गर्भवती महिलाओं को अकेले ही अस्पताल जाना पड़ता है। किसी की भी अचानक तबीयत बिगड़ जाए तो स्थिति संभालने के लिए कोई आशा वर्कर उपलब्ध नहीं होती। देश की राजधानी के हेल्थ सिस्टम पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। गर्भवती महिलाओं के हेल्थ को लेकर न नगर निगम गंभीर है न दिल्ली सरकार। NRHM और केंद्र सरकार से भारी रकम आने के बावजूद भी धरातल पर हो रहे कामों को देखकर आप चौंक जाएंगे। दिल्ली के कई गांव में गर्भवती महिलाओं की देखरेख और नियमित जांच के लिए आशा वर्कर ही नहीं है। गर्भवती महिलाएं समय पर जांच नहीं करवा पाती। इन गर्भवती महिलाओं के लिए करोड़ों का बजट आता है पर महिलाओं तक ये बजट नहीं पहुंच पा रहा है। यहाँ कोई आशा वर्कर्स नहीं आती हैं। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए यहाँ कोई भी फैसिलिटी नहीं है। यहाँ सबसे पास हॉस्पिटल जो है वो माजरा का है, वहाँ नर्सेज गप्पे मारती रहती हैं, वहाँ जाओ कोई फैसिलिटी नहीं देते। वो ये कहते हैं कि ये लाओ, पर्ची लाओ, ID प्रूफ लाओ, ये लाओ, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण की जानकारी देना, उनको अस्पताल और डिस्पेंसरी तक पहुंचाना, आहार और हेल्थ की जानकारी प्रदान करवाना, ये सब काम आशा वर्कर करती है। डिलीवरी के दौरान ये आशा वर्कर अस्पताल तक महिला को पहुंचाने में भी मदद करती है। पर बख्तावरपुर गांव में एक भी आशा वर्कर का ना होना दिल्ली सरकार की बड़ी लापरवाही का नतीजा है। जो नववधू आई है या जो महिलाएं किराए पर रह रही हैं, उन्हें अस्पताल की जानकारी नहीं है। इन सब चीजों का ध्यान रखने का काम भी आशा वर्कर का ही होता है। यहाँ पे कोई आशा वर्कर मौजूद नहीं है, जिसके कारण लेडीज़ को बहुत दिक्कतें होती हैं। और बहुत सारी लेडीज़ तो ऐसी हैं जिनकी शादी अभी हुई है और वे बाहर से आए हैं, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं होता कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, तो उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सास भी नहीं होती घर में, मतलब वे बाहर से आए हैं तो हस्बैंड वाइफ आए हैं तो मतलब उनके तो लग ही नहीं पाते टीके, जिनके कारण फिर बच्चों में बहुत परेशानियाँ होती हैं। गर्भवती महिलाओं को 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। बीच रास्ते अगर कोई चक्कर आया हो या कोई तकलीफ हो जाए, इस दौरान मदद के लिए आशा वर्कर्स का साथ होना जरूरी है। हेल्प के लिए आशा वर्कर के ना होने से बहुत बड़ी खामी सामने आ रही है। इस मामले में जब यहाँ नगर निगम के डिस्पेंसरी से बात की तो यहाँ के डॉक्टर्स ने कैमरे पर बोलने से साफ मना कर दिया और ऑफ कैमरा तर्क दिया कि आशा वर्कर के लिए फाइल भेजी गई है, साथ ही वे खुद विजिट करते हैं और जिस महिला को जरूरत होती है वे घर घर जाकर संभाल लेते हैं। पर सवाल कई खड़े होते हैं, जब डॉक्टर डिस्पेंसरी में होते हैं तो घर घर जाकर कौन इलाज करता है?